आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का आरपी भारत में स्वागत है और मैं हूँ मनीष कुमार झा। लॉकडाउन की स्थिति विकराल तो रही, लेकिन इसको सामान्य बनाया कई एक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने। मैंने कल भी आपको दिखाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो महिला अध्यक्षा थी वो किस प्रकार से दीदी किचन गई और उन्होंने वहाँ के लोगों को, पत्रकारों को सम्मानित भी किया। मैं लगातार आपको दिखाने का प्रयास करता आ रहा हूँ कि जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है राजेश मंडल, इस युवा अवस्था में जगह जगह जाकर ये लोगों का सहायता कर रहे हैं और लोगों की परेशानी को सुनते हुए उसे समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता राजेश मंडल लगातार जनता के बीच कर रहे हैं अनाज वितरण, एक अलग पहचान बनाने की कोशिश। धनबाद के गोविंदपुर के युवा सामाजिक कार्यकर्ता राजेश मंडल ताबड़तोड़ कार्यक्रम कर रहे हैं। मानो कि वह सामाजिक नहीं राजनीतिक कार्यकर्ता हो। आज बगसुमा के पंचायत भवन में मुखिया के आग्रह पर वहाँ के गरीब लोगों के बीच अनाज वितरित किया गया एवं सुर्खियां बटोरी। अलग अलग गाँव से लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। उनका यह कहना है कि गरीबों के लिए वह हमेशा तत्पर रहेंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ भी गरीबों तक मिलेगा। आने वाले समय के लिए कुछ इशारा है। एक सामाजिक कार्यकर्ता इतना बढ़ चढ़ कर भाग ले और समाज सुधारने के लिए युवा की टीम बनाए, इससे अच्छी बात वर्तमान समाज के लिए क्या होगी। आरपी भारत के स्टेट ब्यूरो मनीष कुमार झा ने उनकी टीम से बात की और जानने का प्रयास किया कि उनका आगे का एजेंडा क्या है। देखिए इस रिपोर्ट में, अगर हम दूसरी ओर देखें तो जिस समय लोग जो जीत के आए वो भी नहीं आ पाते हैं, लेकिन ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हमेशा आगे रहें। अगर युवा में ऐसी प्रेरणा आए और लगातार समाज सेवा करते रहें, निश्चित तौर पर भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आइए इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं कि आखिर और कार्यक्रम कहाँ कहाँ करने का है, क्योंकि ये तो लगातार ताबड़तोड़ अपना कार्यक्रम करते आ रहे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सबको नमस्कार। प्रश्न तो वही है, आप वही है, टीम वही है, ये लगातार कार्यक्रम करते आ रहे हैं, ये कब तक चलेगा? ये जब तक हमको लगे कि अभी जरूरत है, भुखमरी है, मैं इसके लिए मैं हमेशा करता रहूँगा। जो जिस समय विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय कार्यकर्ता भी इतना नहीं दौड़े थे जितना आप सामाजिक कार्यकर्ता होकर दौड़ रहे हैं और लोगों का आश्रय ले रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, आखिर क्या रीजन है इसका? रीजन यही है कि सब हम लोग आपस के हैं, सब एक दूसरे को हम लोग जानते हैं, तो अभी इस भुखमरी में अगर हम किसी का सहयोग कर पा रहे तो यही मेरे लिए अक्षत का आशीर्वाद। बागसुमा का अनुभव बताइए आप कई जगह गए, मैंने समाचार संकलन भी किया, बागसुमा का अनुभव कैसा रहा? बागसुमा का अनुभव आज यही बोलेंगे कि आज मुझे यहाँ पर, मैं जहाँ जहाँ जो भी पंचायत में गया हूँ, आज सब जितने भी पंचायत के सब बड़े भाई लोग, जो भी मुखिया, सरपंच, उप मुखिया एवं बागसुमा के मुखिया जी है, दीदी मुखिया दीदी, सब यहाँ पर उपस्थित है और सबका यहाँ सहयोग हमको भरपूर मिला है। तो क्या क्या लग रहा है आपको कि यहाँ के जो जनता है सजगता के मामले में, या जो भुखमरी आ रही थी बीच में, कहा जा रहा है भोजन नहीं है जिसके लिए आपको बुलाया जा रहा है, कितना अलग है ये जगह? देखिए भुखमरी तो सब जगह पूरा भारत में छाया हुआ है, लेकिन हम जितना सक रहे हैं कोशिश कर रहे हैं और इसको आगे भी हमारा जारी रहेगा। चलिए आप ऐसा ही करते रहे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। यहाँ की मुखिया हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनके यहाँ जब कोई सामाजिक कार्यकर्ता आया तो इतनी भीड़ उमड़ के आई। मैं बता दूं आपको, कुछ आज तक बचे हुए भी हैं। आखिर क्या कारण है कि इतने लोग सहयोग करने के बावजूद भी इतने लोग आ रहे हैं? क्या जागरूकता की कमी है उनमें? जी मैडम, स्वागत है आपका। हम जानने का प्रयास करेंगे कि लगातार यहाँ वितरण होता रहा है अनाज का, इसके बावजूद भी इतने ज़्यादा लोग यहाँ आ रहे हैं जब राजेश मंडल जी आए यहाँ बांटने, आखिर क्या कारण है? क्या लोग होड़ लगा रहे हैं या नीडी हैं सच में वो? नहीं, यहाँ का तो सबका कार्ड है, सबका चावल मिल रहा है, फिर भी लोग भीड़ लगाने के लिए आए हैं। हम लोग विधवा लोग को हम लोग चुने हैं, विधवा को और विकलांग को। जी जी, तो विकलांग के लिए हम थोड़ा ये भैया बोले जो थोड़ा सहयोग कीजिए, इसीलिए हम विकलांग को विधवा को हम ये किए। तो सब आदमी अगर यहाँ आ रहे हैं, सबको तो चावल मिल रहे हैं, फिर भी इतना कर रहे हैं। एक युवा कार्यकर्ता आपके क्षेत्र में आए हैं, आगे बढ़कर भाग ले रहे हैं, इनके लिए क्या करना कहना चाहेंगे आप? क्या कहना है, कैसा लगा आपको इनका कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मगर ये गरीब के लिए बहुत भलाई कर रहे हैं। जब मेरा पंचायत में जितना गरीब है सबको हम, इसलिए हम इसको
थैंक यू बोलना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मेरा जितना भी गरीब है सबको कर दिए। आप अपने क्षेत्र को इसी तरह से उजागर करते रहिए, कोई भूखा ना रहे इसका ध्यान आप रखें। इसके लिए हमारे साथ और भी हैं ललन दास जी, जो वहाँ भी मिले थे और इन्होंने पूरे इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जगह जगह गए, इनसे मिले और उनका लिस्ट तैयार किया। अब इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि दूसरे जगह से कितना भिन्न रहा यहाँ का कार्यक्रम। स्वागत है आपका। नमस्कार सर। कितना भिन्न रहा आपका ये कार्यक्रम? भिन्न सर कहीं नहीं रहा, सब जगह लगभग एक ही चीज़ है, सब जगह अनाज वितरण के लिए सब जगह एक ही चीज़ है सर, भिन्न कुछ नहीं है। अभी जो मुखिया मैडम ने बोली कि लोग यहाँ अनावश्यक रूप से भी आ जाते हैं, क्योंकि तो इन्होंने सोचा था विधवा को दें या जो दिव्यांग है उनको दें, लेकिन सबल लोग भी आ जाते हैं, उसको कैसे रोका जाए? जी, इसके लिए हम लोगों ने तीसरे चरण, जो अभी आज दूसरा चरण चल रहा है, इसके लिए तीसरा चरण का हम लोग बहुत जल्द अपडेट करेंगे और जो ऐसे बच गए हैं उनको फिर वापस हम लोग राशन वितरण करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी लगे रहें। अब हम आपको एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता से मिलाते हैं जिनका यहाँ से संबंध नहीं है, ये दूसरे गांव के हैं, फिर भी ये यहाँ आकर लोगों के बीच सहयोग कर रहे हैं, राजेश मंडल जी का सहयोग कर रहे हैं ताकि लोगों को सहयोग मिले, लोग भूखे ना सोए, इनका प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसा रहा और कैसे आप यहाँ पहुँचे? अच्छा लगा, और गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही, लॉकडाउन में ज़्यादा ही हो गया है और काम धंधा सबका बंद हो गया है, इसके कारण सब आदमी चाहता है कि हमको चावल मिले, ये मिले, सब बेरोजगार हो गया, सब फैक्ट्री बंद है, सबका धंधा बंद है, क्या करेगा, इसी चलते सब चाहते हैं कि हमको मिले। उसको लाल कार्ड सबके पास है, चावल तो मिल रहा है, लेकिन चावल के साथ भी और जरूरत का चीज़ चाहिए, खाली चावल से ही पेट भरने वाला है नहीं। तो राजेश जी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए सारे हैं कि बहुत अच्छा, ये युवा लड़का, बहुत कम एज का लड़का ये सब कर रहा है, इसके लिए हम इनको बहुत बहुत ही कर बधाई देते हैं। आप बहुत करीब से देखते आ रहे हैं, जहां तक मैं जान रहा हूं, जो प्रतिनिधित्व यहाँ करते आए हैं शुरू से, यहाँ से यहाँ लूटते आए हैं, वो एक बार भी इस लॉकडाउन में दिखे नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप नज़दीक से देखते आ रहे हैं, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता एकाएक आकर इस विषम परिस्थिति में काम नहीं, इनको इनको लगा कि नहीं गर्मी बहुत ज़्यादा है, आदमी लोग मतलब तड़प रहे, यहाँ बच्चा भी आ जा रहा है कि हमको चाहिए, हम भूखे हैं, ये देखते हुए ये देखा कि नहीं ये जरूरतमंद को दिया जाए। आपके ऐसे कितने युवा इनके साथ रहेंगे इस काल में जब तक समस्या रहेगी? हमको तो लग रहा है कि सब जितना युवा से जुड़ेंगे सभी इनके इनका काम को देख के सब जुड़ जाएंगे। अब हम इनसे ही पूछना चाहते हैं, आखिर आपने ऐसे युवाओं को कैसे जोड़ा और क्या मंत्र रहा आपका, कैसे लोग जुड़ते गए आपके? इसमें मंत्र कुछ नहीं है, इसमें है कि हम लोग सब एक ही उम्र के हैं, बड़े भाई है, तो हम लोग सब इस चीज़ को लेकर हम लोग हमेशा डिस्कस होता ही रहता है, तो सबके अंदर यही चीज़ भावना विचार है कि भाई हम लोग अगर कुछ कर पाए तो यही प्रेम को हम लोग एक संगठन बनाकर हम लोग ने कहा कि जितने भी यहाँ चुन के लोग आते हैं जिनका राजनीतिक सरोकार रहा है वो पीछे आ जाते हैं, तो उसे दूर कैसे करेंगे आप लोग सब मिलकर? ठीक है, दूर करने की तो कोशिश करेंगे, सरकारी योजना से भी हम लोग कुछ या किसी तरह कार्य से योजना बना के भी, अभी फिलहाल हम लोग जितना सक रहे हैं अपना स्वयं से हम लोग कर रहे हैं और हम लोग इसको जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आने वाले दिन में भी आप ऐसा करते रहें और सबका आशीर्वाद लेते रहें। ये थे राजेश मंडल जी, जो हमें बता रहे थे कि इन्होंने अपने बिना किसी सहयोग का, अपने फंड से, अपने दोस्तों के सहयोग से यह कार्यक्रम करते आ रहे हैं, और इन्होंने यह भी बताया कि कई एक फेज में यह कार्यक्रम चलेगा, अतः जब तक लोग सामान्य नहीं हो जाते हैं, लॉकडाउन की पूर्व की स्थिति में नहीं आ जाते हैं, तब तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा। अब यह देखना है कि इनसे कितने राजनीतिक लोग प्रेरणा लेते हैं, और अब भी चूँकि देर आए दुरुस्त आए, अगर अब भी वो लोग मैदान में आते हैं और लोगों के बीच खाद्य सामग्री वितरित करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें सहानुभूति मिलेगी। मनीष कुमार झा, धनबाद, आरपी भारत।